दोस्तों, बोले तो नेहा से, मैं नेहा शर्मा और आज मैं आपको जयपुर के अंदर जवाहर कला केंद्र में सिल्क ऑफ इंडिया एग्जीबिशन लगी हुई है उसके अंदर लेके चलती हूँ और यहाँ पे क्या नई वैरायटी आई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। सर, ये क्या चीज है ये हम लोगों को दिखा रहे हैं? गोरमेट वालमेट मल्टीयूज है, कहीं यूज कर सकते हैं। मल्टीपर्पज है, आपको गोरमेट के लिए मल्टीयूज बना सकते हैं आप, आसन वगैरह मल्टीयूज बना सकते हैं, कहीं यूज कर सकते हैं। अच्छा, डोरमेट है जी, डोरमेट। तो ये आप अलग अलग डिजाइन के डोरमेट बनाते हैं। चलिए, और कहाँ से आप? यूपी मिर्जापुर के। ओके, मेरा नाम बिलाल अंसारी। अच्छा, और कहाँ से, मतलब अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह कुछ किसी को लेना हो तो? कार्ड मिल जाएगा, मेरा कार्ड मिल जाएगा, तो आप मुझे कार्ड जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल पे इनका कार्ड आपके सामने शो करूंगी, तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और आगे अपन चलते हैं और आगे वैरायटी देखते हैं कि सिल्क ऑफ इंडिया में क्या क्या वैरायटी आई है। तो सर, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है इस पे? तो ये देखिए दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी को भी अगर ये लेना हो इस टाइप का कारपेट्स वगैरह, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो सर, ये क्या चीज़ है और कहाँ से आए हैं आप इस मटेरियल को लेके? मैं उत्तर प्रदेश से आया मेरठ से। ये खादी की शर्ट है, खादी कलेक्शन है सारा। ये कुर्ते आते हैं, इसके अंदर शर्ट आती है और मिनिमम प्राइस में आते हैं 250 में आते हैं। अच्छा, 250 में है और ये खादी कहलाता है अपना कपड़ा? यस मैम, खादी कॉटन में। तो अगर हमें आपको कभी सामान लेना हो, परचेज करना हो, तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर है आपका? आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8899190288। तो दोस्तों, इनसे कभी भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और देखिए, इस टाइप का ये खादी के कपड़े बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप एक बार, मैं टच करके देख रही हूँ, फील कर रही हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है। कुर्ते हैं, जेंट्स के कुर्ते हैं, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे अपन और चलते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या है यहाँ पे। तो भैया, ये क्या साड़ी कौन सी कहलाती है? ये कलकत्ता का हैंडलूम साड़ी रहेगा, सिल्क साड़ी है मैडम जी, रीजनेबल रेट के ऊपर। पूरा डिफरेंट देखते हैं, पूरा जरी का काम किया हुआ है साड़ी में। अच्छा, पूरा ऑल ओवर साड़ी जरी का काम आएगा और ये ट्रेडिशनल चीज के ऊपर आता है कलकत्ता का। ये क्या चीज है सर? फिगर मोटिफ है। ओके, इसमें जो है ना, एक स्टोरी बना रहता है, ये बॉर्डर में आप देख रहे हो, एक स्टोरी बना रहता है। हाँ, ये स्टोरी टाइप लग रहा है। फिगर मोटिफ के है, दोनों साइड जरी बॉर्डर के ऊपर आएगा, बीच में व्हाइट रहेगा। ये डाइएबल भी है, इसको अप्लाई करके कलर। तो आप कहाँ से हैं सर, और ये कहाँ की साड़ी फेमस है? कलकत्ता, कलकत्ता से है, बंगाल का। जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में सबसे फेमस है साड़ी की कंपनी। अच्छा, आपका ऑल ओवर इंडिया में चलता है। और अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमें देंगे एक बार, अगर किसी को साड़ी मंगानी हो तो आपको कॉल करें। 8250191794। सुमित्र दास। ओके, तो देखिए इनके पास कितनी सारी वैरायटीज हैं, आप देख रहे होंगे। तो चलो फ्रेंड्स, और आगे विजिट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या वैरायटीज हैं। तो दोस्तों, मुझे ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगी है। इतना अच्छा सॉफ्ट कपड़ा है इसका, मटेरियल इतना सॉफ्ट है, सिल्क साड़ी है। तो हम पूछते हैं कि भैया, आप कहाँ से हैं और कौन सी जगह की ये साड़ी है? ये बनारस की साड़ी है, ये साटन में आती है, कतान प्योर कतान है और प्योर केला में आती है। अच्छा, और आपका कॉन्टेक्ट नंबर अगर किसी को लेना हो तो? 7651880784। तो चलिए दोस्तों, भैया आप ये मेरे लिए पैक कर दीजिए, मैं तो अपने लिए पैक कराती हूँ और आगे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे और क्या वैरायटीज है। तो चलिए मेरे साथ, भैया इसको पैक कर दीजिए। कौन सा कपड़ा है ये? खादी कॉटन। खादी कॉटन है ये? और कहाँ से आए आप? मेरठ से आए। क्या खासियत है इन कुर्तों की? इसमें समर के लिए अच्छा रहता है, समर में कंफर्टेबल फील होता है, जो पसीना वगैरह आता है अंदर पोस्ट कर लेता है। अच्छा, तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दीजिए अगर किसी को लेना हो तो। 7490851460। दोबारा एक बार आप रिपीट करेंगे? 7490841460। तो दोस्तों, एक बार इनकी शॉप पे मैं विजिट कराती हूँ कि इनके पास किस टाइप की वैरायटी के कुर्ते हैं, पैंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये कौन सा कपड़ा है? ये कतान सिल्क है मैम, ये आजमगढ़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है, आजमगढ़ मुबारकपुर में,
और ये हमारे घर का प्रोजेक्ट है। ये बहुत बेस्ट चीज़ है, कपड़ा ये जो बहुत फाइन होता है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल चीज़ होती है। तो आप ये कपड़ा जो लेकर आए हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट है, मैं टच करके देख रही हूँ, एकदम सॉफ्ट है ना, और प्लीट से एकदम इजीली बनती है। अच्छा, फूलता नहीं कपड़ा ये? नहीं, ये बिल्कुल बदन पे चिपका जैसे रहेगा। ओके, तो दोस्तों एक बार इनकी शॉप के अपन विजिट करते हैं और इनका कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं। तो भैया आपका कॉन्टेक्ट नंबर बताएंगे? 8960840514। तो दोस्तों जिनको भी ये समझ में आए एक बार विजिट करने के बाद इनको कॉन्टेक्ट करें, इनसे बात करें और अपनी पसंद की चीज़ें आप मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी इनकी शॉप है और ये काम करते हैं। तो एक बार अपन विजिट कर लेते हैं इनकी शॉप का। ये प्योर हैंडमेड है। ओके, ये वॉशेबल है, डेनिम है। वाह, ये तो बहुत अच्छा प्रीटी लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? तो ये लिया जाए। तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए सर, और ये कितने का है वो भी बताइएगा प्लीज। तो एग्जीबिशन के अंदर मुझे एक नया कॉन्सेप्ट दिखा, तो मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहती हूँ। भैया ये क्या चीज है? ये नेचुरल ग्वालियर आइसक्रीम। ग्वालियर आइसक्रीम है, इसमें ऐसा क्या खासियत है? इसमें बनाना है, ऑरेंज है, वो सब डलता है। अच्छा, ये फ्रूट्स की बनती है? नेचुरल फ्रूट रहता है। नेचुरल फ्रूट रहता है, तो आप मुझे बना के दिखाएंगे। उससे पहले अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, अगर किसी को आपके वो बुलाना हो शादी पार्टी में तो आपको बुला सकते हैं। नंबर? हाँ, नंबर बोलिए। हिंदी में बोल दो? हाँ बोल दीजिए भैया। 95-890। ठीक है। 37-148। ठीक है। तो दोस्तों किसी को भी इनसे कांटेक्ट करना हो तो इनके नंबर पे कॉल करें और इनको आप अपने यहाँ पे बुला सकते हैं। तो चलिए उससे पहले अपन देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं और कैसी लगती है आइसक्रीम बनने पे। तो आइए। घर से आगे से केला दिखेगा। ये क्या डाल रहे हैं भैया? स्ट्रॉबेरी। ये बन चुका, बन गया। ओके, बन गया। अब इसको कैसे देंगे हमें? चाकू से निकाल के। ये बन के रेडी हो गया आपका? रेडी हो गया।
कैसे निकालते हैं बताएं। उधर से दिखाएं आप, उधर से देखा ना बेटा, बन के रेडी है ये आइसक्रीम। तो ये दिखने में तो बहुत अच्छी है, तो टेस्ट करके देखें कैसी है एक बार। फ्रूट आइसक्रीम है ना जी, इसमें आपने बनाना डाला है, ऑरेंज डाला है और स्ट्रॉबेरी डाली है। तो दोस्तों पाइनएप्पल भी है, पाइनएप्पल भी है। अच्छा तो दोस्तों चलिए आप भी इसका लुक लीजिए और मैं भी लेती हूँ। तो भैया यहाँ पे क्या क्या वैरायटीज है और अपने यहाँ पे क्या फेमस है? इसमें अलसी का वैरायटी आएगा, सौंफ का वैरायटी आएगा, पान का आएगा, चूरन का आएगा, सब का वैरायटी आएगा। अच्छा तो आपके पास मिंट में सबसे अच्छा क्या फ्लेवर है? मिंट में पान का आएगा। पान का है जी, कलकत्ता पान है, गुलकंद वाला है, अलग अलग पान में आएगा। स्पेशल है तुलसी का पान, जमनापुरी से इसमें तुलसी का मिक्स आता है। अच्छा इसमें तुलसी का आएगा, गन्ना उड़ीसा से आता है, जगन्नाथपुरी से। और स्पेशल आएगा ये तो टेस्ट करा रहे हैं आप मेरे को, ठीक है। तो गाइस आप टेस्ट करके देखिए कैसा है ये, और आप अपना कांटेक्ट नंबर भी दीजिए अगर हमें कभी आगे आपसे सामान लेना हो तो। ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो या फिर कांटेक्ट करके भी ले सकते हो। तो आपका नंबर देंगे प्लीज? हाँ जी, 7016265917। भैया ये क्या बना हुआ है? मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग पूरा हैंडमेड होता है, कलर भी नेचुरल होता है। ये जो आप देख रहे हैं खादी और कागज को मिक्स करके ठंडे पानी में 4 दिन फूलने के लिए देते हैं। जब वो पूरी तरह गल जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आटे की तरह गूंथ कर उसको 22x30 का ये साइज बनाते हैं। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर गाय का गोबर, मुल्तानी मिट्टी, नीम का पत्ता मिक्स करके इसको पोतते हैं मैम, ताकि ये लॉन्ग टाइम चले, इसमें कीड़ा ना लगे। उसके बाद बांस का जो लकड़ी होता है उसको पतला करके बैम्बू पेन नीप पेन से हम लोग पेंटिंग करते हैं। इसमें कलर जो करना होता है हम लोग ब्रश यूज नहीं करते, माचिस का जो तिली होता है उसमें दिया जो जलाते हैं उसका रुई लपेट के उसके बाद हम लोग कलर करते हैं मैडम। और इसका खासियत ये है मैम, कलर भी हम लोग खुद बनाते हैं। जैसा कि आप ब्लैक कलर देख रहे हैं, हम लोग के यहाँ चूल्हा पे खाना बनता है उसका जो कोयला निकलता है उससे ब्लैक कलर, पीला हल्दी से, रेड अरुण फूल से, हरा साग सब्जी से बनाते हैं। अच्छा तो आप कलर्स भी खुद बनाते हैं? कलर भी हम लोग खुद बनाते हैं। इसी पेंटिंग से मैडम हमारे गांव में 3 पद्मश्री, 36 स्टेट अवार्ड, 21 नेशनल अवार्ड आर्टिस्ट में मधुबनी बिहार प्राप्त हुए जितवारपुर। आप चाहे तो नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। हम लोग इसका खासियत ये मैम, हम लोग साड़ी पे, वॉल पे, दुपट्टा पे ही बनाते हैं। इस पेंटिंग का एक और खासियत है, हम लोग ये सोच के नहीं बैठते हमको बनाना क्या है, जब हम बनाने के लिए बैठते हैं बन जाता है तो उसका मीनिंग खुद नजर आने लगता है मैंने क्या बनाया। और एक बार जो बना लेते हैं दोबारा सेम टू सेम हम लोग नहीं बना पाते, 2 घंटा काम करते हैं, सर दर्द करने लगता है, बोरिंग फील लगता है, छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन जब शुरू करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम कहाँ से बना रहे थे, वो भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ये वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है मधुबनी, मधुबनी जी मैडम। और ये कहाँ की फेमस है अपनी, और आपका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए अगर किसी को लेना हो तो आपको। ये मधुबनी बिहार का है मैम, क्राफ्ट विलेज जितवारपुर का, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हो गया मैम 6287541464। और आपका नाम? मेरा नाम विकास झा हो गया, हम खुद आर्टिस्ट है, हमारा पूरा फैमिली बनाता है। ये जो आप देख रहे हैं मेरी 12 इयर्स की मेरी भतीजी है, ये उसके हाथ का बना हुआ है। ये देखिए हमारा पूरा फैमिली वर्क है। ये 12 इयर्स की बच्ची है? जी जी जी, ये हमारा परंपरागत आर्ट है मैम, हम लोग इसी पे आधारित है। आपको विश्वास नहीं होगा, ये देख सकते हैं आप, ये मैं अभी दिखाने के लिए नहीं रखता हूँ मैम क्योंकि ये बहुत
पुराना पेंटिंग है हमारा, एक लिए मेरा दादाजी का बनाया हुआ पेंटिंग है और दादी का। अच्छा। जो कि 10 साल पुराना पेंटिंग है जो आज के डेट में ये पुराना हो गया है। ये इसलिए नहीं रखते हैं ताकि कस्टमर इसको देख के क्या होते हैं चले जाते हैं। ये पूरा प्योर नेचुरल है मैडम। अरे वाह, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इनसे कांटेक्ट करिए, कितनी अच्छी पेंटिंग इन्होंने बनाई है। और देखिए ये खुद बता रहे हैं कि इन्होंने कलर्स तक खुद ने बनाए, तो आप इसमें देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन। तो इनको कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नंबर इन्होंने अपना बताया है, और इनसे संपर्क करके इनकी पेंटिंग्स को अपने यहाँ पे मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं और इस एग्जीबिशन में क्या क्या चीज़ें हैं। थैंक यू। तो दोस्तों एग्जीबिशन कैसी लगी सिल्क ऑफ इंडिया की, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इन जो मैंने नंबर दिए हैं लोगों के, उस पर आप कांटेक्ट करके सामान मंगा भी सकते हैं। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।